तो एक और नए अपडेट के साथ इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में नए शिक्षक भर्ती को लेकर स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे खास बात है झारखंड में प्राइमरी लेवल पर शिक्षक भर्ती यानी 1-5 और 6-8 के लेवल पर, जिसमें लगभग 2012-13 और 2016 झारखंड में दो बार ही JTET हो पाई है और उसके बाद स्टूडेंट JTET का इंतजार कर रहे हैं। और इस बार जो अपडेट आप लोगों सभी को मालूम है कि जो नई शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें पहले चरण में जो 26,000 शिक्षक बहाली होंगे उसमें JTET पास कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड अपडेट है, CTET मान्यता और JTET पर भी बात करेंगे। बस इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और स्पेशली टीचर्स रिलेटेड अपडेट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजित, 12 जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में नई शिक्षक भर्ती जो शुरू होने जा रही है लगभग 2013 और 2016 में JTET हो पाई है। उसके बाद झारखंड में प्राइमरी लेवल में भर्ती को लेकर अभी तक JTET की कोई एग्ज़ाम या JTET का कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिला है। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से नए नियम लाने के बाद JTET होने की संभावना है, लेकिन सरकार की तरफ से जो शिक्षक नए शिक्षक भर्ती होने जा रही है उसमें दो चरण में शिक्षक भर्ती होने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले चरण में जो शिक्षक भर्ती होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ JTET पास कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेंगे जो 2013 और 2016 में JTET पास कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में जो 2013 और 16 में JTET पास नहीं कर पाए थे या फिर 2016 के बाद BEd DLED किए हुए स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स इससे वंचित रहेंगे। तो ये रहा, बाकी अभी आप लोगों को जो अपडेट करेंगे वो मेन अपडेट यही है कि 12 जिलों की तरफ से आरक्षण रोस्टर क्लियर करके शिक्षा विभाग को शिक्षक नियुक्ति के प्रस्ताव से रिलेटेड जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया है और बाकी 12 जिलों को भी समय दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, फिर आप लोग को CTET और शिक्षा बहाली से पूर्व जो JTET की मांग कर रहे स्टूडेंट्स उनके बारे में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 12 जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर कर प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। निदेशालय ने सभी जिला को जल्द से जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था। ये अपडेट आप लोगों को पहले दे दिए थे जिसमें कि सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को जो है ये लेटर दिया गया था, लेटर लिखा गया था कि जल्द से जल्द जो है आरक्षण रोस्टर क्लियर की जाए, क्योंकि 50,000 जो सहायक आचार्यों के पद पर प्रस्ताव है उसके लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करना है। उसके बाद देखिए कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शुक्रवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि 12 जिलों ने नियुक्ति के संबंध में प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव भी भेज दिया है। शेष जिलों को प्रस्ताव भेजने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया है, यानी जो जिला यहाँ पर अभी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं कर पाया है उनको फिर एक बार समय दिया गया है 15 नवंबर तक। उसके बाद देखिए, ज्ञात है कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 25,996 यानी करीब 26,000 पदों पर पहले चरण में नियुक्ति की जाएगी। सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यह अधियाचना जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा और फिर पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए, ये अलग अपडेट है पारा शिक्षा रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे जो टीचर बहाली को लेकर अपडेट है कि सबसे पहले यहाँ पे आरक्षण रोस्टर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आरक्षण रोस्टर क्लियर नहीं होता है तब तक JSSC का अधियाचना भेजना मुश्किल है। ऐसे में अभी 12 जिलों की तरफ से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया गया है, तो जो JTET पास है 2013 और 16 उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और आप लोग इसमें नियुक्ति में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी जो लोग CTET की मांग कर रहे हैं लंबे समय से, यहाँ पे झारखंड के मंत्री MLA MP सब से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। और CTET के साथ साथ JTET की भी मांग हो रही है कि पहले JTET हो, तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स की मांग तो जो 2016 और 2013 में JTET पास नहीं थे या फिर 2016 के बाद जो DLED BEd किए हुए हैं उनकी मांग है कि CTET को मान्यता दी जाए या फिर JTET पहले हो उसके बाद फिर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। तो इस तरह से झारखंड में अभी माहौल है। तो बाकी आप लोग अपडेट करते रहेंगे और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी 2013 और 16 को जो JTET पास में कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा उनके लिए, तो एक अच्छी खबर है। तो इसी तरह से आप लोग अपडेट करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।